यकीनन कामयाब हो गए मोमिन वही जो अपनी नमाज में खुशु अख्तियार करने वाले हैं इस दुनिया में इंसान तरह तरह के मसाइल में घिरा हुआ है जिनके बारे में वो दिन रात मुतफक् रहता है लेकिन हकीकत यह है कि उसका सबसे बड़ा मसला आखिरत में मौत के बाद कामयाबी है लिहाजा उसे सोचना चाहिए कि वो कामयाबी कैसे हासिल की जाए जिस तरह दुनिया की जिंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ शराय है कुछ उसूल हैं इसी तरह आखिरत में कामयाबी के लिए भी कुछ उसूल हैं उनमें से कुछ का जिक्र सूरतून की इब्तदाई आयात में कर दिया गया है इन उसूलों में सबसे पहला उसूल ईमान लाने के बाद नमाज में खुशब पैदा करना है उन मोमिनों को कामयाबी की जमानत दी गई है जो अपनी नमाजों में खुशबू पैदा करते हैं ईमान लाने के बाद पहला करने का काम नमाज को सही तरीके पर जाहिरन और उम्दगी के साथ अदा करना है तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और इस गुफ्तगु से पहले हम ईमान के बारे में बात करेंगे क्योंकि नमाज में खुशू भी उसी वक्त फायदा देगा जब ईमान दुरुस्त होगा तो फरमाया सूरत की पहली और दूसरी आयत में यकीनन कामयाब हो गए मोमिन वही मोमिन जो अपनी नमाज में खुशु अख्तियार करते हैं कामयाब हो गए यानी उन्होंने सादत और फलाह हासिल कर ली कामयाबी तक पहुंच गए यानी आखरत की जिंदगी में कामयाब हो गए कौन है वो जो सबसे पहले उनके अंदर क्या है ईमान है लुत में लफ्ज़ मोमिन उस शख्स के लिए इसम फाइल है जो ईमान की सिफत के साथ मुतसिफ होता है लुहत में मोमिन तीन लगवी मानी की तरफ लौटता है नंबर एक अमन ये खौफ के मुकाबल नंबर दो तस्दीक जो तकदीब के मुकाबल और नंबर तीन अमानत जो ख़यानत के बरक्स तो जो शख्स मोमिन होता है उसके अंदर अमन होता है वो हक की तस्दीक करता है वो ख्यानत की बजाय अमानत का रास्ता इख्तियार करता है यानी अल्लाह की दी हुई खबर की ठोस तस्दीक करते हुए उसके अहकाम पर अमल दरामद करता है ईमान के छह होते हैं, ईमान के छह अरकान होते हैं जिनके बगैर उसका वजूद साबित नहीं होता और वो छह अरकान क्या है आपने फरमाया ये कि तुम अल्लाह उसके फरिश्तों उसकी किताबों उसके रसूलों और आखिरी दिन यानी योम क्यामत पर ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ तो कद अफला हल मोमिन यकीन कामयाब हो गए मोमिन ये कद जो है ये हर अरबी में और ताक़ीद के लिए आया है कि हकीकी बात है यकीनी बात है तहकीक से बात कही जा सकती है कि मोमिन ही कामयाब होने वाले हैं और यहां पर अफलाह का लफ्स इस्तेमाल हुआ है जो फलाह से है जिसका माना होता है चीरना काटना फलाह किसान को कहते हैं जो जमीन को चीर फाड़कर उसमें बीज बोता है फलाह में तीन बातों का पाया जाना है यानी एक फाड़ना एक कामयाबी और एक बका फलाह का ताल्लुक दुनियावी मकासद से भी है और उखरवी मकासद से भी तो फलाह दरअसल कामयाब होने को कहते हैं और मकसद को पा लेने को तो शरीयत की नसर, नजर नज़र में कामयाब वो है जो दुनिया में रहकर अपने रब को राजी कर ले और उसके बदले में आखिरत में अल्लाह की रहमत और का मुस्तहक करार पाए उसके साथ दुनिया की सादत और कामरानी दुनिया की सादत और कामरानी भी मयसर आ जाए तो बहुत खूब वरना असल कामयाबी तो आखिरत ही की कामयाबी है असल कामयाबी क्या है सूरत इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं तो जो शख्स जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो जो शख्स आग से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो यकीनन वो कामयाब हो गया और दुनिया की जिंदगी तो धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं यानी दुनिया में अगर इंसान बड़ी बड़ी कामयाबियां वो बेंच बेंचमार्क मार्क अचीव कर लेता है किसी मंजिल तक पहुंच जाता है तो वो कामयाबी कामयाबी नहीं वो तो एक जाहरी चमक दमक है जो चंद दिन के बाद बुझ जाएगी हकीकी और पायदार और असल और हमेशा की रहने वाली कामयाबी तो आखिरत ही की कामयाबी है और वो कामयाबी है कि इंसान जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत को पैदा किया जिसकी एक ईंट सोने की थी एक ईंट चांदी की थी और गारा कस्तूरी का था फिर अल्लाह ताला ने उसे कहा कलाम कर उसने कहा कद अफला हलमन के यकीनन फलाह पा गए मोमिन फरिश्तों ने कहा ऐ जन्नत तेरे लिए खुशखबरी हो तू तो बादशाहों का ठिकाना है तो मोमिन ही अल्लाह की निगाह में बादशाह है तो हकीकत यह है कि उस बड़े दिन के अजाब से बचना कामयाबी है मई यूसरफ अनहू यो मिन जिस शख्स से उस दिन वो हटा लिया जाएगा यानी अजाब तो उस यकी उसने उस पर रहम कर दिया और यही खुली कामयाबी है फिर इसी तरह गुनाहों की माफी मिल जाना बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि हम में से कोई भी गुनाहों से बचा हुआ नहीं है सूरत अलफ में आता है लियुदीन जन्ना जन्ना वो मर्दों औरतों को उन बागों में दाखिल कर ले जिनके नीचे से नहरे चलती हैं हमेशा उनमें रहने वाले और उनसे उनकी बुराईया दूर कर दे और ये हमेशा से अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी कामयाबी है एक और जगह पर आता है मन तक सयात योम योमा इन फकदाल फौज आजीम उस रोज जिसे तूने बुराइयों से बचा लिया गोया तूने उस पर रहम कर दिया यही बहुत बड़ी कामयाबी है फिर इसी तरह अल्लाह ताला की रहमत मिलना बड़ी कामयाबी है क्यामत के दिन नूर मिलना बहुत बड़ी कामयाबी हैजर से पानी का मिलना बहुत बड़ी कामयाबी है अब्बास कहते हैं कि मैंने रसुल्ला को फरमाते हुए सुना मैं तुम्हें पुष्प से पकड़ कर खींच रहा हूँ मैं कह रहा हूं जहन्नम से बचो हदूद से बचो यानी दुनिया में सजा से जहन्नम से बचो हदूद से बचो जहन्नम से बचो हदूद से, से बचो तीन बार फरमा कर आपने कहा बस जब मैं फौत हो जाऊंगा और मैं तुमसे पहले जाकर हौस पर पानी का इंतजाम करने वाला हूंगा तो जो उस पर पहुंच गया वो कामयाब हो गया फिर क्यामत के दिन पलड़ों का भारी होना कामयाबी है वल वजन योम इजिन फमन सकुलत मवाजीन फलामुल उस दिन वजन बरहक है फिर वो शख्स के उसके पलड़े भारी हो गए तो वही कामयाब होने वाले हैं फिर अल्लाह सुबहान तला की रजामंदी मिल जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी है वाह अदल्लामिन अवलमिनात जन्नातिन मिन खाली अलह ने मर्दों औरतों से ऐसे बागात का वादा कर रखा है जिनमे नहरे जारी हैं उनमें वो हमेशा रहेंगे नीज हमेशगी के बाग़ा में पाकिजा के आम गाहों का भी वादा कर रखा है और अल्लाह की रजा तो इन सब नियमतों से बढ़कर होगी यही बहुत बड़ी कामयाबी है तो कामयाबी के हसूल के अस्बाब में सबसे पहला सबब जो इस आयत में मिलता है वो ईमान लाना है क्योंकि ईमान वाले ही दरअसल उस दिन खौफ और गम से महफूज होंगे अला इन्ना औलाना सुन लो बेश्लाह के दोस्त उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन गमगी वो जो ईमान लाए और वो तकवा इख्तियार करते थे लहुमुलबरा फिलहत दुनिया उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है वफिल आखिरा और आखिरत में भी ला तब्दील कलिमातल अल्लाह के कलिमात बदल नहीं सकते अल्लाह की बातों के लिए कोई तब्दीली नहीं गाले का हुआजल आजीम यही बहुत बड़ी कामयाबी है फिर इसी तरह ईमान और अमल साले से कामयाबी हासिल होती है और अमल साले को साले इसीलिए कहा जाता है कि वो इंसान की असलाह कर देते हैं यानी जैसे नमाज पढ़ना सद का करना जिन चीजों को भी हम अमाल सालह कहते हैं वो दरअसल इंसान की इंसान को साले बनाकर इंसान की असलाह करते हैं और जब दुनिया में इंसान की असलाह हो जाती है तो वो दुनिया की कामयाबी भी हासिल करता है और नतीजतन आखरत की भी कामयाबी के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सबसे पहले आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजाज के बाजार में बुलंद आवाज से लोगों को पुकारा करते थे या अय्युह ननास कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहु ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो फलाह पा जाओगे अल्लाह का तकवा इख्तियार करना फलाह की जमानत है वत्तकुललाह लअल्कुम तुफ्लहुन और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ इन न नफाजा यकीन मुत्ती लोगों के लिए एक बड़ी कामयाबी है फिर अल्लाह और उसके रसूल की इतात करना यह कामयाबी की जमानत है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा नूर की पैरवी करना बुरान मजीद की पैरवी करना यह कामयाबी की अलामत है व तबा उन नूर उनफल जो लोग ईमान लाए और उसे कुव्वत दी और उसकी मदद की यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उस नूर की पैरवी की जो उसके साथ उतारा गया वही लोग फलाह पाने वाले हैं फिर अल्लाह ताला की इबादत करना या रब्बकुम वफ़अलुल यादी लोगो जो ईमान लाए हो रुकू करो सजदा करो अपने रब की इबादत करो और नेकी करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ

खुद अपने तौर पर कुछ नफली रोजे भी रख लो फिर उसने पूछा बताइए जक़ात किस तरह मुझ पर अल्लाह ने फर्ज की है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तरीका बता दिया उस आरावी ने कहा अल्लाह की कसम उस जात की कसम जिसने आपको इज्जत दी ना मैं इसमें से जो अल्लाह ने मुझ पर फर्ज किया है कुछ बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा इस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसने सच कहा है तो ये फलाह पा गया अगर सच कहा है तो जन्नत में चला जाएगा तो इससे ही पता चलता है कि बुनियादी इस्लामी इबादात का अदा करना भी कामयाबी की अलामत है फिर इसी तरह नेक अमल करते रहना गुनाहों से बचते रहना शराब जुआ वगैरह से बचना यह भी कामयाबी की तरफ ले जाता है ऐ लोगो जो ईमान लाए हो बात यही है कि शराब और जुआ और शिर के लिए नसब करदा चीजें और फाल के तीर सरासर गंदी चीजें हैं शैतान के काम में से हैं। सो इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ कसरत से अल्लाह का जिक्र करना अल्लाह हज गुरह तुफ्लिहून, फिर सच्चाई इख्तियार करना अल्लाह की नेमतों का तस्करा करना और उन पर शुक्र अदा करना फस गुरु अला तुफ्लिहून, सो अल्लाह की नियमत याद करो ताकि तुम फलाह पाओ फिर कनात इख्तियार करना जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी रहना

जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ कुर्ब तलाश करो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ फिर ये कि जानो माल अल्लाह के रास्ते में लगाना अल्लादीन आमन वहारु वजाह व उलाफा जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया अल्लाह के यहां दर्जे में ज्यादा बड़े हैं और वही लोग कामयाब हैं। फिर बुखल से बचना नफसी ही फलाई काफल और जो दिल की तंगी से बचा लिया गया तो वो दरअसल कामयाब हुआ फिर अमर बिलमूफ और नहीं अनिल मुनकर करना फिर मसायब और मुश्किल पर सबर करना ये सब कामयाबी की तरफ ले जाते हैं फिर लोगों के हुकूक अदा करना वा बस करावत वाले को उसका हक दो और मिसकीन को और मुसाफिर को ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं और वही फलाह पाने वाले है इसी तरह कामयाबी के रास्ते में कुछ रुकावटें भी हैं, जैसे कुफर करना शिरक करना आखरत पर ईमान न लाना आखरत के दिन से गाफिल हो जाना किनारे पे रहना सिब्लाहू खैरुन व इन असाव फितिन कलब अलाखिरा गिखसरान मुबीन और लोगों में से कोई वो है जो अल्लाह की इबादत एक किनारे पर करता है फिर अगर उसे कोई भलाई पहुंच जाए तो उसके साथ मुतमिन हो जाता है और अगर उसे कोई आजमाइश पहुंचे तो अपने मुंह पर उल्टा फिर जाता है उसने दुनिया और आखिरत का नुकसान उठाया यही तो सरी हसारा है फिर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करना इंसान को नुकसान की तरफ ले जाता है शैतान से दोस्ती करना फरमाया वय तक शैतान वली अम अल्लाह मुबीना और जो कोई शैतान को अल्लाह के सिवा दोस्त बनाएगा तो उसने खसारा उठाया वजिदिम बेशक हकीकत यह है कि जालिम लोग फला नहीं पाते कामयाब नहीं हो सकते तो सूरतमिन में ममिन की फलाह की बात करते हुए उनकी सिफत बताई गई कि वो अपनी नमाजों में खुशु इख्तियार करते हैं खुशु करने वालों के लिए दरअसल कामयाबी है अब कैम कहते हैं अल्लाह ने नमाजियों की फलाह को नमाज में खुशु इख्तियार करने के साथ मशरूत किया है तो ये इस बात पर दलालत करता है कि जो शख्स खुशु इख्तियार नहीं करता वो कामयाबी पाने वालों में से नहीं है और अगर उसके लिए उस नमाज का सवाब शुमार कर लिया जाता तो वो कामयाबी पाने वालों में से होता इमामी तैमिया कहते हैं कि खुशबू के वाजिब होने पर अल्लाह ताला का ये फरमान दलालत करता है तो ये खाशून का लफ्ज जो है ये खुशू से है खुशु का लफ्सी माना होता है झुक जाना मुती हो जाना और सुकून इख्तियार करना अल्लाह ताला का फरमान है वह खशातमानी फला इल्ला हमसा और सब आवाजें रहमान के लिए पस्त हो जाएंगी। तो तो एक नहायत तो आप एक आप जाएगीयत आस्ता आवाज के सिवा कुछ ना सुनेंगे यानी खामोशी हो जाएगी सब खामोश हो जाएंगे तो खशात का मतलब यहाँ क्या है पस्ती झुक जाएंगी दब जाएंगी और अतलाह में खुशू कहते हैं दिल कि दिल अपने रब के सामने फर्मा बरदारी और जिल्लत के साथ झुक जाए यानी अल्लाह के सामने दिल झुक जाए जब अल्लाह के सामने खड़े हो नमाज की हालत में तो दिल आजजी के साथ जिल्लत के साथ झुक जाए इबन हबन रजब हम्बली कहते हैं खुशबू का असल माना है दिल का नरम पड़ना खुशू का माना क्या है दिल का नरम पड़ना और उसमें रिक्कत पैदा हो जाना उसमें सुकून आ जाना उसका फर्मा बरदार हो जाना आजिज हो जाना और उसका तड़पना तो नमाज की हालत में दिल का ये हाल होना चाहिए कि दिल नरम पड़ जाए झुक जाए उसमें रिक्कत हो जाए वो ठहर जाए तो अल्लाह की फर्मा बरदारी की बात सोचे और आजिज इख्तियार करे और अल्लाह के लिए तड़पे तो जब दिल खुशबू अख्तियार करता है तो सारे आजाब भी उसके ताबे हो जाते हैं और वो भी आजिज हो जाते हैं तो नमाज और नमाज के अलावा बाहर भी हमें खुशबू मतलूब है लेकिन नमाज में खुशब अख्तियार करना नमाज से बाहर खुशु इख्तियार करने से ज्यादा अहम है क्योंकि नमाज की हालत में इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होता है याद रखिए खुशबू दिली इबादत है दिल की इबादत है जिसके असरात इंसान के जहरी आजाब पर जाहिर होते हैं तो नमाज के दौरान खुशब अख्तियार करने वाला मोमिन नमाज को उसकी शरायत, उसके अरकान उसके वाजबात और उसके मुस्तबात के साथ कायम करने की हिर्स रखता है वो इस बात की खाहिश रखता है कि उसका दिल और जहन अपने रब की तरफ मुतव हो और जो कुछ वो पढ़ रहा है या सुन रहा है उसको खूब याद रखने वाला हो इस तरह वो नमाज के बाद भी नमाज से फायदा हासिल करने वाला बन जाएगा फिर इसी तरह यह है कि नमाज में खुशबू यह है कि बंदे का दिल अल्लाह ताला को करीब समझते हुए उसके हुजूर हाजिर हो यानी उसकी सारी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ हो जाए इससे दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है उसकी तमाम हरकत साकिन और गैर अल्लाह की तरफ उसका रुझान कम हो जाता है वो अपने रब के सामने निहायत अदब के साथ खड़ा होता है वो अपनी नमाज के अंदर अव्वल से लेकर आखिर तक जो कुछ करता है और जो कुछ कहता है पूरी तवज्जो के साथ कहता है तो इसमें आप देखिए हरकत भी साकिन हो गई तवज्जो भी हो गई अदब भी हो गया और अल्लाह का कुर्ब भी महसूस होता है दिलों को इतमान भी नसीब होता है इसी तरह उसके सारे वसवसे और गलत सोचे भी दूर होती है और नमाज की रूह यही है यानी यही वो मकसद है जो बंदे के लिए लिख दिया गया है इम्न उमर के बारे में कहते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है अल्लाजी फीसला जब लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो वो अपनी नमाज की तरफ मुतवज्जे होते थे और अपनी निगाहों को सजदे की जगह की तरफ झुका देते यानी इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखते थे बल्कि सर झुकाकर नीचे जहां सजदा करना होता था वहां पर अपनी निगाहें रखते और उनको यकीन होता था कि अल्लाह उनकी तरफ मुतवज्जे है तो वो दाएं बाएं नहीं देखते थे जिसको ये यकीन हो जाए कि अल्लाह अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जे है तो फिर वो की को छोड़कर इधर उधर नहीं हो सकता लेकिन शैतान यही बात तो भुलवा देता है क्योंकि जब तक इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है अल्लाह ताला भी बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है और जब वो फिर जाता है तो फिर यानी बंदा फिर जाता है तो फिर अल्लाह ताला भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं इसी तरह यह बात याद रहे कि खुशबू से मुराद रोना नहीं है यानी बाज लोग समझते हैं कि नमाज में खुशबू से मुराद रोना धोना है ठीक है अल्लाह के डर से रोना आ जाए तो कोई हर्ज नहीं खुशबू में दिल मुतवजह होता है आजाब और सुकून होते हैं ये नहीं कि हिलजुल कभी पावड़ की एड़िया उठा रहे हैं कभी अः जिसमें कोई खराश कर रहे हैं कभी दुपट्टा ठीक कर रहे हैं कभी आगे पीछे हो रहे हैं बाज लोग हिल हिल के नमाज पढ़ रहे होते हैं तिलावत भी कर रहे होते हैं और साथ हिल रहे होते हैं आगे पीछे को हिल रहे होते हैं तो ये नहीं ये जायज नहीं है नमाज में अगर आप किरात करें आप हाफिज हैं या नहीं भी अः तो जितनी भी किरात करें सुकून के साथ करें यानी असल खुशबू क्या है सुकून और फिर दिल का अल्लाह की तरफ मतवज हो जाना और इस बात का जहन में यकीन रखना कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं अपने रब से सरगोशियां कर रहे हैं नमाज खुशु के बगैर ऐसी है जैसे रूह के बगैर जिस्म हो तो खुशु दिल में भी होता है और आज़ाम में भी होता है यानी दिल भी अल्लाह की तरफ हाजिर हो और आजाब भी अपनी जगह पर साकित हो और अपनी हरकत और में अपने रुकू और सुजूद में अपने क्याम और कूद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की इतबा की जाए और शदीदिर इस बात की कि बिला जरूरत हरकत ना की जाए बिला जरूरत हरकत ना की जाए ये बहुत अहम है तो जब जब यह बात आ जाती है कि सारा नबी वसल्लम के तरीके पर ही उठना बैठना हो तो फिर इससे ही पता चलता है कि खुशु में सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना भी आ जाता है उमर रजो जब किसी आदमी को देखते है वो नमाज में अपनी गर्दन नीचे झुका रहा है तो आप उसकी गर्दन पर कोड़ा मारते और उसे कहते अफसोस तुझ पर खुशबू तो दिल में होता है यानी बहुत ज्यादा सर झुका के खड़े हो जाना यानी एक तो ना निगाहों का झुकाव होना गर्दन सीधी है लेकिन निगाहें झुकी हुई हैं और एक ही है कि सर झुका लेना खड़े होकर तो वो कहते कि खुशू दिल में है और सईद बिन मुसैब ने एक आदमी को देखा वो अपनी नमाज में अपनी दाढ़ी से खेल रहा था बालों के खारिश वारिश कर रहा था तो उन्होंने कहा अगर इसके दिल में खुशू होता तो इसके आजा में भी होता साकित होते खुशु की हमारे दीन में बहुत अहमियत है कुरान मजीद में खाशीन की तारीफ की गई है सूरत अंबिया में अंबिया की सिफत बताई गई व यदोन और वो हमें रगबत और खौफ से पुकारते थे पैगम्बर हालाके वो अल्लाह के चुने हुए नेक बंदे थे मासूम बंदे लेकिन फिर भी उनके अंदर डर था अल्लाह का और वो हमारे ही लिए आजी करने वाले थे सूरत बनी इसराइल में आता है वह यून अल अजकानी यबकू न वो ठोड़ियों के बल गिर जाते हैं रोते हैं और वो कुरान उन्हें आजी में ज्यादा कर देता है खुशु करने वालों पर नमाज भारी नहीं होती क्योंकि उनका दिल नमाज में लगा हुआ होता है वस्तयरत और सबर और नमाज के साथ मदद तलब करो और बिलाशुबा वो यकीन बहुत बड़ी है बहुत भारी है मगर खुशु करने वालों पर नहीं खुशू ईमान लाने की अलामत है अलम क्या उन लोगों के लिए जो ईमान लाए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए और उस हक के लिए झुक जाए जो नाजिल हुआ फिर यह कि खुशू करने वाले से अल्लाह का वादा भी है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने पांच नमाजें फर्ज की हैं जो इनके लिए अच्छी तरह वजू करेगा और उन्हें इनके वक्त पर अदा करेगा और उनके रुकू पूरी तरह अदा करे और उनमें खुशू का ख्याल रखे तो उसके लिए अल्लाह का वादा है कि वो अल्लाह की मख... अल्लाह ताला उसकी तफरत फरमाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसके लिए अल्लाह का कोई वादा नहीं है अगर चाहे तो उसे बख्श दे और चाहे तो अजाब दे अल्लाह तमें बख्श दे फिर नमाज के हुसन और खूबसूरती के लिहाज से उसका अजर होता है यानी खुशबू नमाज को खूबसूरत बनाता है लिहाजा जैसा खुशबू होगा वैसा ही अजर होगा बिन अम्मा कहते हैं मैंने रसूल सल्म को फरमाते हुए सुना कि आदमी नमाज पढ़कर इस हाल में लौटता है कि कभी उसके लिए उस नमाज का दसवां हिस्सा नवां हिस्सा आठवां हिस्सा सातवा हिस्सा छठा हिस्सा पांचवा हिस्सा चौथा हिस्सा तिहाई हिस्सा या आधा हिस्सा अजर लिख लिया जाता है यानी किसी को बहुत थोड़ा मिलता है और किसी को ज्यादा हुजूर कल भी से पढ़ी कि नमाज का बदला जन्नत है आपने फरमाया जो शख्स अच्छी तरह वजू करे फिर दो रकत अदा करे जिसमें अपने दिल और अपने चेहरे को पूरी तरह मुतवज्जे रखे तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी लेकिन आप वसल्लम ने इस बात से भी खबरदार किया कि सबसे पहले खुशू ही उठेगा उम्मत से नबी वसल्लम ने फरमाया सबसे पहली चीज जो उम्मत से उठाई जाएगी वो खुशू है वो जमाना भी आएगा कि तुम्हें उनमें एक भी खुशू करने वाला आदमी नजर ना आएगा यानी आप राइट लेफ्ट देखे नवाजी को किसी के अंदर खुशू नहीं होगा अल्लाह हमें इससे महरूम ना करें शैतान दरअसल नमाज में हायल होकर खुशू खत्म कर देता है उस्मान बिन दरमियान हायल होता है और उसे मुझ पर खलतल कर देता है तो आपने फरमाया ये वो शैतान है जिसे खिनज कहा जाता है जब तुम ऐसी बात महसूस करो तो अल्लाह से पन्ना तो अल्लाह से अ, यानी पनाह मांग लिया करो यानी अल्लाह की पनाह ले लिया करो और अपने बाएं जाने तीन मरतबा थूक दिया करो यानी थुतकार दिया करो क्यों कहते हैं बस मैंने ऐसे ही किया तो अल्लाह तआला ने मुझसे ये तकलीफ दूर कर दी शैतान दरअसल वसवसों और ख्यालात में उलझाकर दुनिया की बातें परेशानियां याद दिलाकर नमाज को खराब करता है इबन कयम कहते हैं कि बगैर खुशू और तवज्जो की नमाज ऐसे जिसम की है जो रू न हो क्या बंदे को इस बात से हया नहीं आती कि वो अपने जैसी कोखलूक को मुर्दा गुलाम या मुर्दा लॉन्डी का तोहफा दे तो उस बंदे के बारे में क्या ख्याल है जो किसी बादशाह या किसी अमीर वगैरह को ऐसा तोहफा देने का इरादा करे तो वो नमाज जो खुशबू और तवज्जो से खाली होती है वो इसी के बराबर है मुर्दा के बराबर है और अल्लाह के हुजूर हम एक मुर्दा भेज रहे होते हैं फिर इसी तरह यह है कि जितना जितना दिल समझ कर अदा करता है नमाज को उतना ही सवाब मिलता है बाज़ लोग कहते हैं कि दो आदमी नमाज में होते हैं और दोनों में ऐसे फर्क होता है जैसे जमीन और आसमान का एक खुशबू से पढ़ रहा होता है वही नमाज उसी इमाम के पीछे और दूसरा बिल्कुल बेतवजो से कैम कहते हैं कि नमाज में लोगों के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं नंबर एक नमाज के अरकान और वाजुबात में कोताही करने वाला यानी वो चीजें जिसमें जिसके बगैर नमाज होती नहीं लेकिन वो उसकी वो पूरी नहीं ऐसा शख्स जो अपनी जान पर ज़ुल्म कर रहा होता है और नमाज में कोताही करने वाला है और ये वो शख्स है जो नमाज में और नमाज वजू में और नमाज के औक़ात और उसकी हदूद और अरकान में कमी करता है ढंग से वजू नहीं करता कुछ हिस्सा खुश करा जाता है या परवाह नहीं करता कि वजू है या नहीं नंबर दो नमाज के जाहरी अरकान की हिफाजत करने वाला दूसरा वो शख्स है जो नमाज के औकात की और उसकी हदूद की और उसके जाहरी अरकान की और वजू की हिफाजत करता है लेकिन वो अपने नफ्स में आने वाले बसवसों के साथ जिहाद करने को जया कर देता है यानी अपने नफ्स के साथ जो है वो नहीं पूरी तरह ज, वो काबू पा सकता तो वो सोचो और वसूसों में खो जाता है यानी बाज लोग वजू परफेक्ट करेंगे उनके सारे जो रिचुअल्स है नमाज के पूरे पूरे अदा करेंगे लेकिन दिल उनका उलझा हुआ होगा इधर उधर दुनिया की बातों में नंबर तीन नमाज के अरकान की हिफाजत के साथ नफ्स का जिहाद करने वाला नफ्स के साथ जिहाद करने वाला तीसरा शख्स जो अपनी नमाज की हदूद और उसके अरकान की हिफाजत करता है और वसवसों और सोचों को दूर करने में अपने नफ्स के साथ जिहाद करता है तो वो अपने दुश्मन के साथ जिहाद करने में मशगूल होता है ताकि उसका दुश्मन उसकी नमाज को चोरी ना कर ले तो वो नमाज भी अदा कर रहा है और जिहाद भी कर रहा है नंबर चार नमाज में इंतहाई मुस्तगरक होना डूबा हुआ होना नमाज में यह ऐसा शख्स होता है जो नमाज के हुकूक और उसके अरकान और उसके हुदूद को मुकम्मल करता है उसका दिल नमाज की हदूद की हिफाजत करने में गर्क होता है ताकि वो नमाज से किसी चीज को जया न कर दे यानी उसके अरकान भी पूरे होते हैं और दिल की हिफाजत भी कर रहा होता है बल्कि उसका पूरा इरादा यह होता है कि वो नमाज को इसी तरह कायम करे जैसे कि कर उसको कायम करनी चाहिए और उसको मुकम्मल करे और उसकी तकमील करे तो उसका दिल नमाज को कायम करने में और रब तबारा को की अबूदियत में मसरूफ और मशगूल होता है पांचवा शख्स और ये आला दर्जा का है दिल से देखते हुए अल्लाह को नमाज पढ़ना का अन्ना का तरह हो यह वो शख्स है कि जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो उस चौथे शख्स की तरह ही खड़ा होता है लेकिन इसके साथ साथ वो अपने दिल को पकड़कर अपने रब अजब अजल्ला के सामने रख देता है और वो अपने दिल से अपने रब को देख रहा होता है उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत और अजमत से भर जाता है गोया कि वो अल्लाह को देख रहा हो और उसका मुशाहिदा कर रहा हो और उससे वसवसे और ख्याल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और इन ख्याल और वसवासों के पर्दे उसके और उसके रब के दरमियान से उठ जाते हैं ये आदमी नमाज के लिहाज से दीगर लोगों से इतना अफसर और अजीम है जैसा कि आसमान और जमीन में फर्क है ये इस वजह से है कि ये शख्स नमाज में अपने रब के साथ मसरूफ होता है अब वो इनका अंजाम भी बताते हैं पहली किस्म के लोगों को नमाज ऐसी आवाज पढ़ने के बावजूद भी सजा दी जाएगी जिन्होंने अपने वजू वगैरह और शरायत का लिहाज न रखा दूसरी किस्म के लोगों का मुहासबा किया जाएगा तीसरी किस्म के लोगों के लिए उनकी नमाज उनके गुनाहों का कफारा बन जाएगी चौथी किस्म के लोगों को अजर सवाब दिया जाएगा और पांचवी किस्म के लोग अपने रब के में शामिल होंगे, होंगे, यानी रब के करीब क्योंकि ये लोगों के उस ग्रोह में से हैं जिनके लिए नमाज उनकी आंखों की ठंडक है जिनकी आंखें दुनिया में नमाज से ठंडी होंगी उसकी आंखें आखरत में अपने रब अजा वह के कर्ब से ठंडी होगी और दुनिया में भी उसकी आंखें अल्लाह के साथ ही ठंडी होगी और जिसकी आंखें अल्लाह की हस्ती के साथ ठंडी हो तो हर आंख उससे ठंडी होती है यानी जिसका बहुत गहरी बात की इन्होंने कि जिसका अपने रब से ताल्लुक बेहतरीन हो उसे देख कर दूसरे भी खुश हो जाते हैं उनके दिलों में भी एक सुकून आता है यानी जो अपने रब के साथ पुरसकून होता है फिर लोगों के लिए भी सुकून का बायस है और जिसकी आंखें अल्लाह की जात के साथ ठंडी ना हो तो उसका नफ्स दुनिया के गमों में टुकड़े टुकड़े हो जाता है अब खुशू के कुछ फायदे नमाज में खुशू फलाह की तरफ रहनुमाई करता है खुशू अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के डर और खौफ का वारिस बना देता है यह ईमान और हुसन इस्लाम के मज़ाहिर में से एक है यह इंसान की असलाह और उसकी इस्तेमत की दलील है यह अल्लाह की अबूदियत का ऐलान है और अल्लाह अल्लाह के सिवा को छोड़ देना है खुशू नजरों की हिफाजत और पहलू झुकाने और लोगों से इनके सारी की तरफ लोगों को, से, लोगों को इन, इनके सारी की तरफ ले जाता है उसके गुनाह कम हो जाते हैं अजर बढ़ जाता है अजाब और बुरे अंजाम से निजात मिल जाती है जन्नत के साथ कामयाबी की बशारत मिलती है खुशु वालों के क्यामत के दिन बुलंद दर्जात होंगे खुशू दिल से सख्ती को दूर कर देता है जिसके दिल ने खुशु इख्तियार किया शैतान उसके करीब नहीं आता शैतान खुशु करने वाले के करीब नहीं आता अब है कैसे खुशु पैदा करें खुशु पैदा करने के असबाब क्या हैं? नंबर एक जाहिरी असबाब जगह की सफाई जैसे कि इब्राहिम को अल्लाह ताला ने फरमाया था वल का आमीना वर रुक का साफ रखो मेरे घर को साफ रखो तवाफ करने वालों के लिए क्याम करने वालों के लिए रुकू सजदा करने वालों के लिए मसाजिद को साफ रखा जाए ताकि मुसल्ली जब नमाज पढ़ने के लिए आए तो उनका खुशबू हो। लिबास में सादगी हो ऐसा लिबास जो अनकंफर्टेबल हो नमाज में पूरी तरह यानी अगर आपने टाइट पेंट पहनी हुई हो तो आपकी कमर पूरी तरह झुकती ही नहीं रुकू के अंदर टेढ़ी रहती है और फिर जब रुकू में नहीं झुकती तो फिर सजदा भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता और अगर ऊपर कुछ ना पहना हुआ हो तो वैसे ही सतर को नहीं ढांकती ऐसे तंग लिबास जो है उनमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जिस जगह नमाज घर में पढ़ी जा रही है वहां कोई नमाज से मशगूल करने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए नमाजी पे लाजिम है कि अपनी नमाज में खुशबू इख्तियार करे और हर उस चीज से बचे जो उसे गाफिल कर सकती है जैसे मस्जिद में बहुत ज्यादा जेब जीनत और नक्शो नगार वगैरह किया जाता है ऐसे ही बाजों घरों के अंदर भी बहुत नक्श नगार और हर दीवार पे पेंटिंग्स और ऐसी ऐसी चीजें लगा के रखते हैं कि जो इंसान की तवज्जो नमाज से हटा देती है माहौल से तस्वीरों वाली चीजों को दूर करना अनस रजी अल्लाह से रिवायत है कि हजरत आयशा के पास एक पर्दा था जिसमें उन्होंने जिसे उन्होंने घर के एक तरफ लटका रखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देख कर फरमाया हमारे सामने से ये पर्दा हटा दो क्योंकि इसकी तस्वीरें मुसलसल मेरी नमाज में सामने आती रही ऐसे निगार, ऐसी चीजें जो आपकी नमाज में आपको डिस्ट्रैक्ट करें उनको वहां से हटा देना चाहिए इसी तरह लग बेमकस चीजें भी अपनी जगह से दूर कर देनी चाहिए नमाज की जगह से दूर हटा देनी चाहिए एक और मौके पर आपने फरमाया जब मैं बैतुल्लाह में दाखिल हुआ था तो मैंने मैंढे के दो सींग वहां देखे थे मैं तुम्हें यह कहना भूल गया था कि इन्हें ढांप दो लिहाजा अब जाकर उन्हें ढांप देना क्योंकि बैतुल्ला में किसी ऐसी चीज का होना मुनासिब नहीं जो नमाजी को मशबूल कर दे। सुफियान ने कहा कि वो दोनों सिंह बैतुल्ला ही में रहे जब बैतुल्ला को आग लगी तो वो भी जल गए फिर नमाज में सुतरे का एहतमाम करना इससे भी खुशबू पे फर्क पड़ता है रसूल सलम ने फरमाया नमाज में सतरा रखा करो अगर चे वो तीर ही क्यों ना हो फिर गुफ्तु करने वाले और सोने वाले के पीछे नमाज ना पढ़ना यानी बिल्कुल कोई आपके साथ ये सामने सो रहा है तो फिर वो रिलैक्सिंग मोड में है तो आप भी उसे देख कर रिलैक्स होते रहेंगे और अगर कोई बातें कर रहा है तो आपकी सारी तवज्जो बातों की तरफ चली जाएगी तो मकसद फौत हो जाएगा खाने और कजाए हाजत की मौजूदगी में नमाज ना पढ़ना खानों की खुशबुएं आ रही हों या इंसान को टॉयलेट में जाने की जरूरत हो तो उस वक्त इंसान नमाज ना शुरू कर दे फिर नींद के गलबे में नमाज ना पढ़ा जाए ना पढ़ी जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊँग आ जाए तो उसे सो जाना चाहिए यहां तक कि उससे नींद का असर खत्म हो जाए इसलिए कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ता है और वो ऊँग रहा होता है तो वो नहीं जानता कि वो मफफरत तलब कर रहा है या अपने आप को कोई बदवा दे रहा है फिर इसी तरह अगर कोई और जरूरी हाजत हो कोई बच्चा रो रहा हो कोई दरवाजे पर खड़ा हो तो बेहतर यह है कि पहले वो काम कर लिए जाए फिर नमाज शुरू की जाए फिर कुछ बात नहीं असबाबियां खुशबू पैदा करने की याद रखिए कि नमाज नफ्स के साथ एक मार्का है गोया आप एक कुश्ती लड़ रहे हैं किसी से अपने आप को शऊर दिलाना चाहिए कि नमाज कि ये लम्हात सबसे कीमती लम्हात है हमारी जिंदगी में बेहतरीन इबादत है हदीस में आता है तुम्हारा नफ्स कहता है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो लेकिन हमें उसकी नहीं माननी चाहिए फिर इसी तरह नमाज की कदर पहचाननी चाहिए उससे फिर नमाज का हक अदा करने को दिल चाहेगा जब मुसलमान अपने रब की कदर और उसके चेहरे के जलाल और उसकी सल्तनत की अजमत की तहाजिम करता है तो उसे नमाज की अजीम कदर अजीम कदर हासिल हो जाती है यानी जब इंसान अपने रब की कदर करता है अपने रब की अजमत को पहचानता है तो फिर जब उसके सामने इस एहसास के साथ झुकता है तो वाकई नमाज में रूह आ जाती है फिर ये कि नमाज के लिए तैयारी करनी चाहिए जब आजान हो जाए तो उसके बाद उसके बाद आ, नमाज ही के कामों के लिए मशगूल हो वजू करे जगह बनाए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए क्योंकि अगर आप हंसी मजाक करते हुए नमाज की तरफ आएंगे तो आप सही तौर पर फिर खुशबू का हक नहीं कर सकते फिर नमाज की हमतों को समझा जाए नमाज का तर्जुमा आना चाहिए फिर एक एक स्टेप पर उसकी हिकमत गौर करें मसल तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाह अकबर कि आप अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं कुर्सी समावात उस उसकी कुर्सी आसमान और जमीन को समाये हुए है आप बहुत बड़े रब के आगे झुके हैं फिर दुआ इस्तीफा उसमें भी अल्लाह तला की तारीफ करते हैं आप फिर रुकू पुश्त और चेहरे को अल्लाह के लिए झुकाने के लिए झुकाने के साथ साथ आज़ी का इजहार भी होता है फिर सजदा करना और सजदे में तस्बीहात के अलावा चूंकि दुआएं कबूल होती हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांग लेना फिर अपने नफ्स को बार बार आजगी की तरफ लाना तेज नमाज न पढ़ना फिर है अपने नफ्स को याद दिलाना कि वो अपने रब के सामने खड़ा है फिर यह कि अल्लाह से मुलाकात का एहसास अपने अंदर जिंदा करना फिर यह अल्लाह की कुदरत को सोचना फिर इसी तरह अल्लाह की अजमत के बारे में सोचना दिल को दुनिया के ख्याल से खाली कर देना दुनिया के हकीरपन के बारे में सोचना अपनी मौत को याद रखना फिर रब की मारिफत हासिल करना क्योंकि नमाज रब के साथ मुनाजात है नमाज नमाजी अपने रब से सरगोशियां करता है उसके लिए उम्दगी से पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है फिर कुरानी आयात और दुआओं को तदब्बर से पढ़ना हर आयत पर रुकना कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना और आवाज को खूबसूरत बनाना ये सारी चीजें खुशबू पैदा करने के लिए कुरानी आयात के मुताबिक उनका जवाब भी देना फिर इत्मीनान और सुकून से हर रुकन अदा करना निगाहें सजदे की जगह पर रखना नमाज में इधर उधर देखने से बचना आंखें बंद करके नमाज न पढ़ना कुछ लोगों का तरीका ही होता है कि नमाज पे खड़े होते हैं तो साथ ही आंखें बंद कर लेते हैं और जब नमाज में आंखें बंद करते हैं तो फिर क्या होता है नींद ही आती या सुस्ती आ जाती है। फिर दौरान नमाज सजदे की जगह से चीजों को हटाना नहीं हाथ मार के या कपड़ा ठीक नहीं करना हो जा नमाज का अपना दुपट्टा बार-बार ठीक नहीं करना फिर खुशू के लिए दुआएं मांगना اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعاء لا يستجاب له ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ ऐसे दिल से जो खुशू करने वाला ना हो ऐसे नफ से जो सैर होने वाला ना हो और ऐसे इल्म से जो नफा देने वाला ना हो और ऐसी दुआ से जो कबूल होने वाली ना हो फिर अल्लाह से डरने की डरने की दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल में अपना खौफ भी पैदा कर दे और करने के कामों में बहुत सी चीजें बता दी गई हैं लेकिन दहानी के लिए नमाज को उसके मुतयन वक्त में अदा करें अरकान वाजिबात और शरायत का ख्याल रखें कामयाब मोमिन बनने के लिए जन्नत में जाने के लिए नमाजों में खुशबू पैदा करें खुशबू के लिए घर के किसी पुरसकून एरिया का इंतखब याद रखें कि यह तरीका है

बर का